सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी। इस पॉलिसी को लेकर देश में बवाल मच गया। बड़ी संख्या में लोग इसे यूजर्स की प्राइवेसी में दखल मान रहे हैं। इसके बाद लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क और कई बड़ी हस्तियां भी व्हाट्सएप के विरोध में हैं। और अब इस विवाद में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए हालिया बदलाव को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने के योग्य नहीं है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल लेवल पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा यूजर बेस है। इसके साथ ही भारत व्हाट्सएप की सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। इसीलिए व्हाट्सएप को प्रस्तावित बदलाव को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार का मानना है कि कंपनी को इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस और डेटा सिक्योरिटी को लेकर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक यूजर जो भी कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या फिर रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। ये पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कैट ने PIL दाखिल कर नागरिकों के हित में नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका दाखिल की गई है, जिस पर हाई कोर्ट का कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को स्वीकार करना स्वैच्छिक था। अगर कोई व्यक्ति उन नियम और शर्तों से सहमत नहीं है तो वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करे। इसी विवाद के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और ट्विटर को 21 जनवरी को तलब किया है। समिति इन दोनों कंपनियों के अधिकारियों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चर्चा करेगी। समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया है। इस बैठक में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा भी की जाएगी।